दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये बात जरूर कहेंगे कि आप हमारी वीडियोस मुकम्मल देखा करें। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो फिर आपको आपके तमाम सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों बाद में आपको कोई अलग से सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हर साल जो भी डिटेल्स होती है जॉब से रिलेटेड, जो भी बातें होती है वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे शेयर करते हैं। तो दोस्तों आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा। दोस्तों आप जानते हैं हम रोज आपके लिए नई रिक्वायरमेंट लेकर के आते हैं। आज हम आपके लिए काम लेकर के आए हैं इलेक्ट्रीशियन का। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, पहली बार गल्फ जाना चाहते हैं, मतलब कि आप फ्रेश हैं, अभी आपने कोई सफर नहीं किया हुआ है, लेकिन आप इलेक्ट्रीशियन के कारीगर बढ़िया है, आपको काम बढ़िया आता है, तो फिर आपके पास सुनहरा मौका है गल्फ में काम करने का। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट जो हम बता रहे हैं आपको, ये सऊदी अरबिया के लिए है, सऊदी अरबिया में रियाद के लिए है। रियाद में आपको इलेक्ट्रीशियन का काम करना है। अगर आप फ्रेश हैं काम आपका हो जाएगा, लेकिन आपके पास आयशा टेस्ट या एबीसी टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आयशा सेंटर है लखनऊ में है, दिल्ली मुंबई में है, ऐसे ही एबीसी टेस्ट सेंटर है, ये भी आपको दिल्ली मुंबई वगैरह में मिल जाएगा, जहाँ पे आप जा करके टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में अगर आप पास होंगे तभी कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी, बिना टेस्ट सर्टिफिकेट के काम नहीं होता है। अगर आप बढ़िया कारीगर हैं, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम बढ़िया आता है, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको टेस्ट देने में। आप बड़े आराम से काम करके दिखाएंगे और आपको एक टेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके बाद आप किसी भी ट्रेवल से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास टेस्ट सर्टिफिकेट मौजूद है। तो दोस्तों कंपनी आपको सैलरी प्रोवाइड कर रही है 1500 रियाल, 1300 रियाल सैलरी बेसिक, 200 रियाल खाने का, तो टोटल 1500 रियाल सैलरी, 8 घंटे की बेसिक ड्यूटी, रूम इकामा, मेडिकल इंश्योरेंस, ये तमाम चीजें कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं, एज आपकी 21 साल से लेकर के 35 साल तक है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई इंटरव्यू का मसला नहीं है, बस आपके पास टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज आपकी 21 से 35 साल होनी चाहिए, काम आपको बढ़िया आता हो, अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट आपका कोई सा भी हो चलेगा, आपके पास हो सकता है पासपोर्ट ईसीआर हो, अनपढ़ वाला हो, इमिग्रेशन वाला पासपोर्ट हो, कोई भी इशू नहीं है, डायरेक्ट ऑफिस आकर के आप बात कीजिए, ऑफिस डायरेक्ट विजिट कीजिए, इंशाल्लाह आपका काम 1 महीने में हो जाएगा।